हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। मैं आपका 9th का पोर्शन और 10th का दोनों इसमें कवर करे ले रही हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नया पोर्शन जो है आप उससे लिंक भी कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इसमें पॉलिनोमियल पार्ट टू में हम लोगों का कल क्या क्या बाकी था? रिमाइंडर थ्योरम बाकी रह गया था। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? व्हेन पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन वन एंड ए बी एनी रियल नंबर, देन इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, तो उसका पी ए क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जैसे ये एक फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये हमें क्वेश्चन दी गई है, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब देखो, जब हमको एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है तो जिससे हमें डिवाइड करना है ना, इसको इक्वल कर लो जीरो के। अगर इसको हम जीरो करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है? माइनस वन। अब इस वाली इक्वेशन में जहां जहां पे, इस इक्वेशन में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे वन रख दो, तो ये पी माइनस वन, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी, पी माइनस वन रखने पे जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन का रिमाइंडर होगा आफ्टर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। ठीक है, तो देखो, जब हम यहाँ पे वन रखते हैं, इसमें एक्स की जगह पे जब हम वन रखेंगे, माइनस वन, पी माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे जीरो आ गई। जीरो आ गई तो एक्स प्लस वन क्या हो गया? इस पी एक्स का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, फाइंड द रिमाइंडर वन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए को जीरो करो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? ए। तो जहां जहां पे इक्वेशन में एक्स है, ये पी एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए दिया है, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे ए रख लो तो रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू को जीरो करो तो एक्स क्या हो जाएगा? माइनस टू। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस टू पुट करो तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस थर्टी थ्री। तो इस इक्वेशन का रिमाइंडर कितना होगा? माइनस थर्टी थ्री। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है, जैसे क्या दिया है, चेक वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो जब हम एक्स प्लस वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर नहीं है। तो अब एक्स प्लस वन को जीरो करो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ सब जगह माइनस वन रख के देखो, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन रखा, पी माइनस वन की वैल्यू जीरो आ गई। जीरो आ गई मतलब एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ओके, देन अभी देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। अब इन्होंने बोला है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, तो एक्स की वैल्यू वन अगर हम इसमें रखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में, तो क्या होगा? ये टर्म इसकी का फाइनल वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा। मतलब जैसे ये अगर दिया हुआ है कि पी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो यहाँ एक्स माइनस वन को जीरो करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है? वन। तो अगर पी एक्स माइनस वन फैक्टर है तो पी वन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे वन रख लो, तो वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज जीरो, तो ये हो गया टू प्लस के इज जीरो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई माइनस टू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन, बाय फैक्टर थ्योरम p1 इज जीरो तो k की वैल्यू माइनस टू। ये देखो दूसरा एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तो x माइनस वन को जीरो करो तो x की वैल्यू क्या हुई? वन। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन रखो और इक्वल कर दो जीरो के, बिकॉज इट्स अ फैक्टर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस वन। समझ में आया ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स
हैज एक्स प्लस टू एज अ फैक्टर, तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगी. कैसे, कि एक्स प्लस टू एक फैक्टर है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू, अगर हम इसे एक्स प्लस टू को इक्वल जीरो करें तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू होती है माइनस टू. तो ये अगर पी एक्स ले लें, पी एक्स इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है. तो एक्स प्लस टू फैक्टर है, तो इसका मतलब कि p माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे माइनस टू रखो और इक्वल कर दो जीरो, तो a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी. फिर आगे क्या दिया है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस टू. तो अब जरा x माइनस टू को जीरो करो तो x की वैल्यू क्या आती है, टू. तो इसका मतलब पी टू की वैल्यू कितनी आ रही होगी, रिमाइंडर कितना है, फोर. तो जहां जहां x है वहां वहां टू रखो और इक्वल कर दो फोर के, दो इक्वेशन बन जाएंगे a और b में. दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, a और b का आंसर आ जाएगा. अब देखो कैसे सॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन इसका एक बार देख लो. x प्लस टू फैक्टर है तो x माइनस टू जीरो पुट किया, ये इक्वेशन आ गई, माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो माइनस टू ए प्लस बी इज टू. अब क्या दिया है कि पी एक्स लीव्स रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. तो देखो पी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर. तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे हमने जहां जहां एक्स है वहां वहां टू रखा, इक्वल कर दिया फोर के, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी टू ए प्लस बी इज टू. अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, टू बी आ गया, बी की वैल्यू टू और ए की वैल्यू जीरो, ठीक है. आप इसको पॉज करके एक बार देखना, सॉल्व करना, नहीं आता है तो फिर बताइएगा मुझे. अच्छा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल में एक मिड टर्म स्प्लिट मेथड होता है, आपको पता होगा. इसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आता है उसके फैक्टर करो और उनको ऐसे एडजस्ट करो कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये मिडिल वाला जो टर्म है ये बन जाए, मिडिल टर्म का कोफिशियंट बन जाए, ठीक है. तो देखो सम क्या है, माइनस सेवन, प्रोडक्ट क्या है, ट्वेल्व इंटू वन. तो ट्वेल्व के फैक्टर की थ्री और फोर. अब थ्री और फोर को एड अगर करते हैं तो सेवन बन जाता है, पर हमें माइनस चाहिए तो हम ले लेंगे माइनस थ्री और माइनस फोर. तो देखो सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स को डिवाइड कर लिया माइनस फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स में, तो ये मिड टर्म स्प्लिट मेथड होता है, ठीक है. अभी इसके देखो मैंने और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है. आप ये सारे एग्जाम्पल्स चेक करना, क्योंकि ये लास्ट टर्म का है, लास्ट आपने क्लास में पढ़ा हुआ होता है तो ये आपको आता है, एक बार रिवीजन करने के लिए है ये सारी चीजें, ठीक है. ये एक और एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला है, ठीक. तो ये सारे एग्जाम्पल्स करिएगा तो आपको मिड टर्म स्प्लिट मेथड याद आ जाएगा. अब देखो जो इस बार से नई चीज शुरू होती है वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है. तो अब अगर हम मान लें इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं और ये बीटा बोलते हैं, और ये दोनों जो है ना ये ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है. इनको अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ऑब्वियसली अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो गायब ही हो जाएगा ना, तो ये जीरो नहीं हो सकता. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वी नो दैट कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर होंगे. हमें पता है ना कि अगर जीरो दिए गए हैं तो अगर हम जहां जहां पे x है वहां वहां पे अल्फा रख दें तो जीरो हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां पे बीटा रख दें तो जीरो हो जाएगा. मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा. के क्यों लिया, क्योंकि हम इसको एक कांस्टेंट लेते हैं. के कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का कुछ तो कोफिशियंट होगा ना, तो हम उसे के लेके चलते हैं, वेयर के इज अ कांस्टेंट. अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब के से मल्टीप्लाई कर लो तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू
बीटा। अब जरा राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, के, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू क्या है, के अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो एक ये टर्म और ये टर्म, ठीक, अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करो तो b अपॉन a क्या होगा, k से k कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a। ठीक है, सेम a इज इक्वल टू k है, ठीक है, तो k की जगह पे a रख लो यहाँ पे, ठीक, तो k की जगह पे अगर हम a रख लें तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, a अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, समझ में आया, ठीक, ये मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब ये याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। ठीक है, ये दोनों चीजें। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डैश एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशियंट। तो अब जरा इसके फैक्टर करो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, तो टेन प्लस टेन, टेन के फैक्टर करो कितना होता है, फाइव इंटू टू, और फाइव प्लस टू करोगे तो बन जाता है सेवन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x प्लस फाइव, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस फाइव, तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, x प्लस टू एंड एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको एक बार जीरो करो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, और जब इस टर्म को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फाइव, तो ये हो जाएंगे रूट्स। ठीक है ना, अब इनका सम करो तो कितना आता है, माइनस सेवन। और यहां से देखो, अगर इसको कंपेयर करें किससे, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो माइनस बी अपॉन ए कितना आ रहा है, माइनस सेवन, दैट इज सम ऑफ रूट, है ना, ये क्या है, सम ऑफ रूट, देखो सम ऑफ रूट माइनस सेवन आ रहा है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है टेन, और ए कितना है वन, तो मल्टीप्लाई करो माइनस फाइव इंटू माइनस टेन कितना आएगा, टेन, है ना, तो वेरीफाई हो गया, समझ में आया, वेरीफाई द रिलेशन, तो ये नीचे आपको लिखना पड़ेगा, एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, समझ में आया है क्वेश्चन, ओके। अब देखिए आगे, इसके बाद आता है, ये क्वेश्चन दिया है हमने, इफ एम कॉमा एन आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं, एम और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, या अगर आपको एम और एन की वैल्यू नहीं निकालनी, एक तरीका ये है कि एम और एन की वैल्यू निकालो और सॉल्व कर लो। अगर एम और एन की वैल्यू नहीं निकालनी तो देखो एम प्लस एन आ जाएगा, एम प्लस एन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना, तो माइनस बी, बी की जगह पे क्या है इलेवन, तो माइनस इलेवन, और ए की जगह पे क्या है थ्री। ठीक, और एम इंटू एन क्या होगा, एम इंटू एन होगा सी अपॉन ए, तो यानी माइनस फोर बाई थ्री। अब इस पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है m अपॉन n प्लस n अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m इंटू n। अच्छा, स्क्वायर आप लोगों ने कहाँ देखा था, याद करो जरा, स्क्वायर हम लोग देखते हैं होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। ठीक है ना, मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, इस टर्म को उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी a प्लस बी
का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देखो ये चीज, इसको अलग कर दो इतना, ये तो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स m इंटू एन अपॉन m इंटू एन। अब m प्लस एन की वैल्यू कितनी थी, m प्लस एन की वैल्यू थी माइनस इलेवन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू। और एम एन की वैल्यू कितनी थी, एम एन की वैल्यू थी माइनस, अब देखो जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया फोर बाई थ्री और अपॉन में एम इंटू एन यानी माइनस फोर बाई थ्री। अब इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 121 अपॉन 9 माइनस सॉरी प्लस 8 अपॉन 3 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा माइनस 4 बाई 3। इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्क्रीन साफ कर देती हूँ मैं, ये मैंने एक्सरसाइज दिया हुआ, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करना है और जो भी आपको डाउट होता है या जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा ये एक्सरसाइज का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। अब डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, देखो एल्गोरिथम में इसमें पॉलीनोमियल यानी कि एलजेब्रिक टर्म जो होता है उसमें डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। अभी यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इसमें हमको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री से, ठीक है ना, इससे हमें डिवाइड करना है। देखो यू नो दैट द क्यूबिक पॉलीनोमियल हैज एटमोस्ट थ्री जीरोस, हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने एटमोस्ट जीरो हो सकते हैं, हाउएवर इफ यू आर गिवन ओनली वन जीरो यू कैन फाइंड द अदर, ठीक है। फॉर दिस लेट अस कंसीडर अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, इफ वी टेल यू दैट वन ऑफ इट्स जीरो इज वन, अगर इसका एक जीरो वन है तो एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स माइनस वन इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब एक्स माइनस वन से अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर इस क्वेश्चन को फर्दर मिड टर्म स्प्लिट मेथड से स्प्लिट कर लो तो ये इसके तीनों, ये तीनों जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, आई थिंक आपको डिवाइड करना आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू, ठीक है, तो इसको डिवाइड करो और इसका आंसर बताओ फटाफट मुझे, ठीक। देखो मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, ये दिया हुआ है। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। इफ यू नो दैट टू जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2, तो दो जीरोस दिए हुए हैं, तो इन दो जीरोस से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x माइनस रूट 2 और x माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो x प्लस रूट टू, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस टू। देखो वही दिया हुआ है, सिंस टू जीरो दिए हुए हैं तो x स्क्वायर माइनस टू इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस टू से हम डिवाइड कर देते हैं एक गिवन पॉलिनोमियल में, ठीक, डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्वेश्चन आया। अब डिवाइड कैसे करते हैं, पहला टर्म क्या है 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 में x स्क्वायर से डिवाइड करो तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, मतलब पहला टर्म 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर सॉल्व किया, इसके बाद क्या आया 3x क्यूब, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब मिल जाएगा, तो वो माइनस 3x से, देन आया x स्क्वायर तो 1 से, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो अभी क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 2x² - 3x + 1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं ये स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, देखो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो px जो टर्म दिया था दैट इज इक्वल टू x² - 2 एक ब्रैकेट में एंड मल्टीप्लाई जो ये क्वेश्चन है यानी 2x² - 3x + 1। तो इसके तो जो फैक्टर्स हैं वो हमको पता है, -√2 और +√2, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसको जरा मिड टर्म स्प्लिट करो, तो ये हो जाएगा 2x² - 2x - x + 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 1, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x - 1। तो दो फैक्टर्स क्या बने, 2x + 1 और यहाँ पे क्या बना, x - 1। अब एक बार इसको जीरो करो तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और इसको जीरो करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। तो चारों चारों जीरो क्या क्या हो जाएंगे, √2 - √2 - 1/2 और 1, समझ में आया, ये हो जाएंगे इसके चारों, दो दिए गए हैं दो और निकाल लें, समझ में आया या नहीं, ठीक है। देखो ये हम लोगों ने कर लिया था, अब इसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। डिवाइड द पॉलीनोमियल पीएक्स बाय डिवाइडिंग जीएक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो ये पहले तो डिवीजन वाला दिया है कि इसको डिवाइड करो और पता करो कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डिवाइड करने हैं, देन नीचे क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल। तो डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ रहा है, किससे डिवाइड करना है, इससे, इसमें, इस वाले में, तो अगर डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ रहा है दैट मीन्स फैक्टर है, जीरो नहीं आ रहा है तो मीन्स फैक्टर नहीं है, ठीक। ऑब्टेन ऑल द जीरोस, थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन ऑल द जीरोस, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। दो जीरोस दिए गए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, तो इन दो जीरो से क्या करोगे, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक बना लोगे, कैसे बनाएंगे, देखो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये एक है x - √5/3 और एक है x + √5/3। a + b × a - b क्या होता है, a² - b² - 5/3 इज जीरो, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूरे में 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3x² - 5 इज जीरो। तो 3x² - 5 एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, इस वाले का, 3x⁴ वाले का। अब 3x² - 5 से इसमें डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन टर्म आ जाएगा, qx आ जाएगा, उसको फर्दर डिवाइड, क्वेश्चन जो आएगा ना वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, याद रखना, ठीक है। उसको फर्दर डिवाइड कर, उसके फर्दर मिड टर्म स्प्लिट कर देना तो दो और जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन डिवाइडिंग डैश बाय अ पॉलीनोमियल जीएक्स द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर्क। देखो क्वेश्चन भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, जीएक्स निकालना है। अच्छा अब एक चीज देखो, जीएक्स कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम पढ़ी थी ना, उसमें क्या दिया था, उसमें दिया गया था कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब अगर px दिया है तो px में से rx को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, gx इंटू, ये gx इंटू qx। अब अगर gx निकालना है तो qx को यहाँ डिवाइड कर दो तो px माइनस rx अपॉन qx से क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। अब इसमें देखो ये है px, ठीक है, ये है qx एंड ये है जो नीचे दिया है, ये है rx, ठीक है ना। इन तीनों को पुट करो इसमें और आंसर निकाल लो, ठीक है, सॉल्व करो।
ये आप लोगों को ही करना पड़ेगा सॉल्व वाला काम, ठीक है। जो भी डाउट आएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इसके अलावा आप अगर किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको सबको सोल्यूशन दूंगी हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 करने के लिए दी है, ये दोनों करिए। मैं 2 दिन के बाद इसका एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इनके सॉल्यूशंस भी दूंगी आपको। या कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आप 2 दिन में वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सोल्यूशन भी बना के दूंगी, ठीक है ना। अब ये समरी है इस चैप्टर की। समरी में देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक रिस्पेक्टिवली। ये पढ़ा था हम लोगों ने। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशियंट इज ऑफ द फॉर्म x² + bx + c। ये हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। इसके बाद हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, क्या कि अगर हमें ग्राफ के थ्रू पता करना है कि कितने जीरोस होंगे, तो एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी ग्राफ, किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसको उतने जीरो होंगे। जैसे लीनियर ऐसे कट करेगा, है ना, तो उसका एक जीरो होगा, ठीक। अब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका पैराबोला बनता है ग्राफ, तो ये ऐसे कट करेगा तो इसके 2 जीरो होंगे, मैक्सिमम 2 जीरो बनेंगे, ठीक है। या ये ऐसा भी बन सकता है ऐसे, तो इसका एक भी रियल जीरो नहीं होगा। तो रियल जीरो कब होगा, जब ये इस पे कट करेगा। या ये ऐसे भी बन सकता है जब ये टच करके ऐसे निकल जाए, तो इसके जो दोनों जीरो होंगे वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इसके कितने जीरो होंगे, एक भी रियल जीरो नहीं होगा। इस कंडीशन में एक रियल जीरो होगा, समझ में आया। अब अगर कोई ग्राफ ऐसा बना हुआ है, कैसे, ऐसे, ठीक है, तो ये क्यूबिक का ग्राफ होता है। यहाँ पे कितने जीरो है मैक्सिमम, 1, 2 एंड 3। अब यही ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, कैसा, ऐसा, तो इसके रियल जीरो कितना हुआ, एक ही रियल जीरो है। एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही रियल जीरो होंगे। एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है तो एक ही रियल जीरो है। बट इसका मैक्स कितने जीरो हो सकते हैं क्यूबिक ग्राफ के, 3 जीरो हो सकते हैं, समझ में आया ये, ठीक है, ओके। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटेगा जो भी कोऑर्डिनेट बनेंगे वही जीरो होंगे उसके, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, और क्यूबिक के कितने हो सकते हैं, 3 जीरो, जितनी हाईएस्ट पावर उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, हम लोगों ने ये पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा इज सी अपॉन ए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक की जगह अगर क्यूबिक का केस हो जाता तो हमें अल्फा बीटा के साथ में गामा भी लेना पड़ता, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा तीन होते, क्यूबिक है तो 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो है तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। अभी ये सिंगल सिंगल टर्म, अब टू टर्म यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। और फिर 3 टर्म यानी अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, माइनस डी। अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर क्यूबिक का क्वेश्चन आता है कहीं कहीं पे तो इससे सॉल्व करना पड़ता है। और ये यूक्लिड डिवीजन जो हम लोगों ने लास्ट में थ्योरम पढ़ा वही था, ठीक है। पी एक्स इज जी एक्स इंटू जी एक्स यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, जहाँ आर एक्स जो है जीरो भी हो सकता है और उसकी डिग्री जो होगी वो हमेशा जी एक्स से छोटी होगी। ओके, समझ में आया। आपका पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश हो गया है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज सारी लगाइए। इसके अलावा जो भी आपको डाउट या दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में, तो वो चैप्टर आप मुझे डाउट्स मुझसे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए नए नोटिफिकेशन जितने भी हैं वो टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। मैंने लाइट का वीडियोस डाल दिए हैं, आप फिजिक्स के वो लाइट की वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, ओके, बाय बाय।